Sony Live, we live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony Live app डाउनलोड करें. Sony Live, we live to entertain. अच्छा, डिपार्टमेंट वालों का कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे भी ड्यूटी लगा देते हैं। मिनिस्टर ने आना होता है मुंबई, हमें कुत्ते पकड़ा के दिल्ली खड़े कर देते हैं। समझ में नहीं आता हम चोर पकड़ने आए कि कुत्ते घुमाने के लिए आए। अच्छा, आज खैर मेरी ड्यूटी इसलिए लगी है, हमारे कमिश्नर साहब जो है उनके जीजा जी यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी टिकट कन्फर्म नहीं हुई, तो कमिश्नर साहब का साफ ऑर्डर है कि जीजा तो जाएगा ही जाएगा, चाहे ट्रेन का ड्राइवर अगली ट्रेन से चला जाए। एक सेकेंड। हेलो जी, जी जय हिंद जनाब। हाँ जी, वो जीजा जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं स्टेशन पे ही हूँ जी। जीजा जी अभी मिला तो नहीं मैं, हाँ जी वो कहीं क्लब में जुआ खेल रहे हैं जी। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि कमिश्नर साहब के जीजा जी हैं, तब से वही जुआ जीत रहे हैं जी। हाँ जी ठीक है जी, ओके रखता हूँ जी, जय हिंद जनाब। बंपर कहाँ मर गई तुम? यहाँ बाहर ना एक बंदा कमाल के आलू के पराठे बनाता है, बस वही चखने गई थी। चखने नहीं गई थी तुम, 3-4 दर्जन पराठे अंदर रखने गई होगी। ये इतना खाती मैं क्या बताऊँ, उस दिन तो किसी शादी में गई, दही वाले टब में इतनी बड़ी पाइप डाल के पूरा दही चूस गई। बाद में कहती खट्टा ठीक है और ले आओ। अब सिद्धू जी आप ही बताइए, एक सैलरी में इतने बड़े पेट का गुजारा कैसे हो करना पड़ता है? हाँ तो खाने पीने का कम, अपने काम का ज्यादा ध्यान रखा करो। आ गया मैं। अरे आ गया, आ गया जवाब। ये ओए इधर आओ, ये मुंह का उद्घाटन है तुम्हारा, इतना मुंह सजा के क्यों रखा है? और ये घोड़ी लेके इधर क्या कर रहे हो स्टेशन पे? अरे सर आप समझे नहीं, मेरी शादी है आज। हैं? घोड़ी से शादी कौन करता है? घोड़ी से शादी नहीं है। वही मैं सोचूं कि घोड़ी का इतनी बदकिस्मत है कि इस गधे से शादी करनी पड़ रही है। सर ये बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। हाँ तो आदत डाल लो, शादी की बात तो होती रहेगी। अरे एक बार बताओ, ट्रेन में घोड़ी लेके कौन आता बे? सर एक्चुअली क्या कि मेरी शादी राजस्थान में। अच्छा। वहाँ पे तो ज्यादातर ऊंट होते हैं, तो मैंने सोचा घोड़ी मैं खुद साथ में लेकर चला जाऊँ। अच्छा। अरे लेकिन जानवर ट्रेन में कैसे जाएंगे? जब इंसान जानवर बन के ट्रेन में जा सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं जा सकते? आपकी ये कमाल की बात सुन के ना मुझे एक महान शायर के 2 शब्द याद आ गए। क्या? ए चल चल। कहाँ चलूं? कहीं चलने की जरूरत नहीं, अपना टिकट दिखाओ पहले, टिकट दिखाओ। है मेरे पास टिकट, ये लो। ये टिकट तो सिर्फ घोड़ी की कंफर्म है, तुम्हारी तो वेटिंग में है। घोड़ी की कैसे कंफर्म हो सकती है? वो लेडीज कोटा में हो गई होगी, हमें क्या पता। वैसे सर ये हम एक्चुअली ना वो कमिश्नर साहब के जो जीजा हैं जी, उन्हें घोड़ी के साथ भेज दे। एक सेकंड, शादी मेरी है, उनके जीजा क्यों जाएंगे? अरे देखिए जीजा जी जो है उनको शादी का एक्सपीरियंस है, तो फटाफट शादी कर लेंगे और फिर अपने काम पे निकल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मेरी जब खुद की शादी थी तो मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी। हाँ। तो मेरी जगह मेरे दोस्त ने फेरे ले लिए। तो वो तो दोस्त की बीवी हुई ना। हाँ तो जब दोस्त की शादी होगी तो हम फेरे ले लेंगे, इसमें क्या है? सर ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया। ये वाला पक्का समझ में आएगा आपके, आइए मैं बताता हूँ आपको। सर 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 मुझे जाने दीजिए प्लीज। फिर एक काम करो, अपने घर वालों को फोन लगाओ, उनको बोलो मैं पकड़ा गया। किस जुर्म में? अरे जिंदगी एक जुर्म है। हाँ? जिंदगी एक जुआ है। नहीं नहीं तो जुआ एक जुर्म है, ये तुमने अपने मुंह से बोल दिया। चलो यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? हटाओ इसको। एक मिनट। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत क्या, इतनी बड़ी तलवार लेके घूम रहे हो, यही सबूत है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं दूल्हा हूं, तलवार नहीं होगी क्या मेरे पास? तेरी बहुत जुबान चल रही है, चल अब कैसे जाएगा? मेरे पास टिकट मेल में भी पड़ा है। ओहो तो तुम एक मेल हो, तुम्हारे पास एक और मेल है, 2 मेल मिलके एक फीमेल को पटाने जा रहे हैं, देखिए सर। अरे यार वो मेल में और इस मेल में फर्क होता है। मेल मेल में फर्क करता है, रेसिस्ट कहीं के नीचे लिटा के ऐसी पिटाई करूंगा किसी से मेल मिलाप करने के लायक नहीं रहेगा। सर मेरी शादी है प्लीज मुझे जाना दो। सर किसी और की टिकट कैंसिल कर दो प्लीज। ओ, तो तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा रिश्वत दी? तो दो ना, हिंट को समझो दो। आ,
ये रोटी का डब्बा लेके कहाँ घूम रहे हो? ए, हेलो, ये रोटी का डब्बा नहीं, ये मेरा पटारा है, इसमें सांप है, ये देखो। बच्चे 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 पागल, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इंसानों का स्टेशन है कि जानवरों का? कोई सांप लेके घूम रहा है, कोई घोड़ी लेके घूम रहा है। अरे जब वो घोड़ी लेकर जा सकता है तो मैं सांप लेकर नहीं जा सकता? लेकिन उसकी तो शादी है। तो कोई बात नहीं, मेरा सांप उसकी शादी में नागी डांस करेगा, चार पैसे मेरे भी बन जाएंगे। सारी बातें छोड़ो बेटा, एक काम करो, इस दो मुंह वाले सांप को दूध पिलाओ, तुम्हारे पुण्य कटेंगे। ए, ए, सबसे पहले तो इसका टिकट चेक करेंगे सर, इसका भी और इसके ये दो मुंह वाले सांप का भी, यानी कि अगर पर हेड गिनते हैं तो तीन टिकट दिखाओ। हाँ इधर बताओ भी, टिकट कहाँ है तुम्हारे पास? हाँ टिकट तो मेरे पास है, पर वो सारे के सारे सांप के पास है, चेक कर लो। फिर आदमी झूठ थोड़ी ना बोलेगा। हाँ। वैसे भी इसकी टिकट चेक करते करते मेरा टिकट ना कट जाए। अरे सर कर लो, नहीं तो मेरे जीजा जी कैसे जाएंगे? जीजा जी को भेजना है तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ऐसा सेम एक चोला मेरे पास है, आपके जीजा जी को पहनाकर उनके गले में सांप डाल देते हैं, बाथरूम के बाहर बैठ कर चले जाएंगे, कोई नहीं पूछता। तो अगर सांप ने पूछ लिया कि जीजा जी कैसे हो, तो उनका चोला तो गीला हो जाएगा कि नहीं? Excuse me. Rajasthan Express will depart from this platform. बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हुआ क्या? मैं पूछ रहा है कि Rajasthan Express इसी प्लेटफॉर्म से जाएगा। मैडोना जैसे मुंह वाले जब इतनी अच्छी हिंदी आती है तो फालतू में कानून को क्यों गुमराह कर रहे थे? आप बताइए ना, ये ट्रेन सीधे राजस्थान जाएगी? नहीं 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 नहीं, सीधे सीधे नहीं जाएगी, ऐसे गोल गोल घूम के जाएगी। पागल आदमी, ऑब्वियसली ट्रेन है, सीधे सीधे ही जाएगी ना, लेकिन पहले ये एक्चुअली पंजाब जाएगी, उसके बाद यू टर्न लेके राजस्थान जाएगी। नो नो, बट राजस्थान तो पहले आता है। नहीं नहीं, पहले यहाँ पर पंजाब से एक मिनिस्टर आता है, फिर उसे छोड़ने हम पंजाब जाता है, उसके बाद ट्रेन यू टर्न लेके राजस्थान जाता है। चपड़गंजू पागल। hey, आपको फॉरनर से बात करने का मैनर्स नहीं है? हम तुम्हारा मेहमान है। मेहमान बन के आते हो फिर 200 साल राज करके बाहर भाग जाते हो? अंग्रेजों भारत छोड़ो। तुम्हें पता है ये पूरा ट्रेन का पटरी हमारे पूर्वज ने बनाया है। और तुमको पता है तुम्हारे पूर्वजों की क्रिएटिविटी के ऊपर, जो हमारे इंडियन सुबह सुबह क्रिएटिविटी दिखाते हैं, कितनी भारी पड़ती है? पटरी तो बना के चले गए, लेकिन हमसे हमारे मसाले ले गए, हमारा हीरा ले गए। निकालो हमारा हीरा, निकालो हम कहां से निकालेगा, वो तो हमारे पूर्वज ले गया। तो अपने पूर्वज निकालो। अरे सारी बातें छोड़ो, टिकट कैंसिल करवाओ, जीजा को नहीं भेजना। Who's जीजा? जीजा मतलब जैसे आपके उधर सिस्टर वीकेंड पे सैटरडे पे एक लड़के के साथ आती, बोलती है ये मेरा फ्रेंड है। तो वही फ्रेंड इधर जीजा होता है, पर ये हर वीकेंड पे सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। Oh, that's जीजा। क्या? Oh my God. बंपर जाके चेक करो जीजा जी क्लब से आएगी नहीं आए, इनका टिकट मैं कैंसिल कराता हूं। वो तो मैं देख के आती हूं, मैं अपने टाइम पास के लिए जरा सपेरे को साथ में ले जाऊं। ए मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? ए तेरे से पूछा किसी ने? ये काम करो, मेरे सांप को ले जाओ। अच्छा बात सुनो। yeah. अंग्रेज वैसे आए कहाँ से हो? मैं गोवा से। यार एक बात बताओ, भारत तो तुम लोगों ने 1947 में छोड़ दिया, गोवा को क्यों नहीं छोड़ते? क्यों उधर उल्टे लेटे रहते हो बीच पे? समझ में नहीं आता सर, लेकिन एक बात बताओ, गोवा है बहुत ही कमाल की सिटी, मतलब लड़कियां होती है छोटे छोटे कपड़ों में, मजा आता। जब तुम्हें पता है बाहर लंगर लगा हुआ है तो घर पे दाल क्यों बनवा रहा है, शादी क्यों कर रहा है? वैसे ये बताओ जा कहाँ रहे हो? मैं जयपुर जा रहा हूँ, वहाँ पे हवा महल देखने। हवा महल? हाँ। लगता है तूने आज का अखबार नहीं पढ़ा, हवा महल तो हवा में उड़ गया। Oh my God! कौन से अखबार में? अरे कौन से अखबार में क्या, जब हवा महल ही उड़ गया तो अखबार नहीं उड़ेगा, पागल आदमी। तो मैं गुजरात में उतर जाऊंगा। गुजरात वाले तो दिल्ली जाके बैठ गए, तुम गुजरात जाके क्या करोगे? तो फिर कहाँ जाओ, कोई अच्छा से जाके बताइए। एक्सक्यूज मी, हेलो ट्रेन तो नहीं गई? Excuse me! कितनी तेज भाग रही हो, कोई ट्रेन से पहले ना पहुंच जाना तुम। मैं अपने घर से भागी हूँ, मुझे जल्दी से शादी करनी है, ट्रेन। ओहो कोई बात नहीं, शादी करनी ना? हाँ। इधर रेडीमेड दूल्हा खड़ा है, इससे करवा देते हैं। शी, मुझे एक हैंडसम और डैशिंग लड़का चाहिए। सुनो ना, थोड़ी सी शादी कर लो, राजस्थान तक ही कर लो। तेरे अंदर का दूल्हा बड़े उबाल मार रहा है बे, पीछे कर ले। Listen, अंग्रेज, you have a wireless landline. What?
मोबाइल यार, एग्जिट योर मोबाइल. ओके. हाँ, मेरी इनके साथ एक सेल्फी लो, इनके आईडी पे डालो जरा. ओके. अरे इनकी आईडी पे क्यों? मेरी आईडी पे लाइक बड़े कम आते हैं. मैं कहता हूँ मेरे सांप की भी साथ में रख लो, ये पाउट बड़े अच्छे बनाता है. तो प्राउट के बाउल जैसे आदमी पिछड़े. आइए थोड़ा ऐसे करके लेते. स्टॉप इट. देखिए अगर आप इस तरह बदतमीजी करेंगे ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी. क्यों, ये वाली पुलिस तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रही? दूसरी पुलिस बुलाने जा रही हो? ओके, मैं अभी कमिश्नर को फोन करती हूँ. हेलो हेलो कमिश्नर सल्ला गुलाटी स्पीकिंग. हमें अभी भी पता चला है कि यहाँ पे आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं. सल्ला तुम कैसे आ गई? तुम तो हमारे साथ थी. कानून किसी का दोस्त नहीं होता. वाओ, इतना पोर्टेबल कमिश्नर. कमिश्नर मोहतरमा, आपके लिए केस है मेरे पास. एक बच्चे का ना डायपर खो गया, आप ढूंढ देंगी? ओएमजी मैम, ये किस तरह आपसे बात कर रहे हैं? आप कुछ करते क्यों नहीं? तुम पुलिस में हो, अपना आईडी दिखाओ. मैं सोनी पे हूँ, सीआईडी दिखाओ. एक्सक्यूज मी मैम, ये इतना बुरा सलूक तो मेरे साथ भी नहीं हुआ. पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं. मैं मर्दों का लिहाज रख रही हूँ, इसीलिए आप एक एक की चेकिंग होगी. दूल्हे चलो अपना लाइसेंस दिखाओ. आपको शर्म नहीं आती है? एक दूल्हे से आप दहेज मांग रही हैं? हाँ. नहीं नहीं, लाइसेंस मांग रही है. नहीं, ये अभी लाइसेंस मांग रही है, थोड़ी देर बाद ये गाड़ी मांगेंगी, फिर पता नहीं और क्या क्या मांगेंगी. तुम रहने दो. मैं रहने कैसे दूं? मैं रहने लाई नहीं हूं, तो रहने कैसे दूं? गहने लाई हूं, गहने चाहिए तो दे सकता. तुम चुप रहो. चलो अपना लाइसेंस चेक करवाओ. लाइसेंस? मेरा लाइसेंस तो साहब के पास है. रहने दो. नहीं नहीं, वो भी कैसे रहने दे, वो रहने लाए. और हाँ अंग्रेज, चलो तुमसे कुछ पूछताछ करनी है मुझे. सुनो कमिश्नर साहब, मुझे भी आपसे एक पूछताछ करनी है. क्या? आपसे किसने कहा था ये कॉस्ट्यूम पहन के आने को? मतलब तुम अकेली सारे पैसे कमा लोगे? नहीं, मैं ये पैसे हम लोग ऐसे नहीं कमा रहे हैं, हम लोग जीजा जी के लिए कमा रहे हैं. और इस नेक काम में जो भी चंदा इकट्ठा होगा हम सब मिलकर बियर पियेंगे. देखिए हम सब ने आपस में मामला जो है सॉर्ट आउट कर लिया है. अब आप लोग निकालिए पुलिस की फीस. एक्सक्यूज मी, पुलिस की कौन सी फीस? क्यों, डॉक्टर की फीस हो सकती है, पुलिस की फीस नहीं हो सकती? डॉक्टर तो इलाज करता है. तो हम आपका लिहाज कर रहे हैं. निकालिए फीस. एक मिनट, मुझे यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है. नहीं नहीं, मोटी इलायची होगी. मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है. तो टॉयलेट वहाँ पर है, अगर गड़बड़ लग रहा है ना. एक मिनट, टॉयलेट से याद आया, वो जीजा जी नहीं नजर आए, कहाँ है? एक मिनट, जीजा इधर है. मतलब? मतलब मैं चेक कर रहा था कि किसी कमिश्नर की बातों में आकर तुम लोगों का ईमान तो नहीं डोलता. तो फिर आपको क्या लगा? मतलब डोलता है भाई, तुम्हारा पर्दा फाश हो गया है. यही है वो ईमानदार इंसान जिसकी वजह से आज सबके टिकट कैंसिल हुए हैं. पहले पकड़ो, तोड़ना तोड़ना तोड़ दो, ले जाओ नहीं तो फेंक दो. चीजा पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन.